गुड मॉर्निंग डियर मॉडल स्टार्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू विल बी ऑल्सो फाइन। पे अटेंशन, हियर योर इंग्लिश टीचर श्वेता तिवारी। सो स्टूडेंट, टेक केयर। इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन चैप्टर 6। ओके, सो फॉर चैप्टर 6 यू विल ओपन पेज नंबर 29। ओके, सो टुडे आई विल एक्सप्लेन, आई विल टीच यू चैप्टर 6। नेम इज नाउंस नंबर। ओके स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल because you have been taught already about noun and noun's gender. Okay, it means, what do you mean by noun? Noun is the name of person, place or things. Okay, gender, noun's gender ke bare mein bhi aapko padhaya gaya hai, unke types bhi. Okay, ki common noun, neuter, gender, okay, feminine, masculine, okay, masculine. Okay, so today I will tell you about nouns number. It means plural and singular. Okay, nouns ka number, jise one person bhi hai, many person bhi ho sakte hain, theek hai. Okay, so open page number 29. Okay, so chapter is nouns. Okay, study following sentences. Okay, study following sentence. The boy is writing in his notebook. तो यहाँ पर ये क्या है? Noun है, जो कि क्या है? Singular है. Okay? Singular है. And next, the boys are writing in their notebooks. Okay? यानी कि लड़का जो है notebook में लिख रहा है. लड़के अपनी notebooks में लिख रहे हैं. तो ये sentence देखिए, singular और plural. Okay? तो इस चैप्टर का नेम ही नाउंस का नंबर, यानी कि उनको संख्या में उनको डिफाइन करना नंबर में, कि सिंगुलर है या प्लूरल है, वन है, मोर है. ओके, सो नोट दैट द नाउंस इन द फर्स्ट सेंटेंस आर सिंगुलर नंबर. ओके, एंड द नाउंस इन द सेकंड सेंटेंस इन प्लूरल नंबर. ऑल्सो नोट हाउ वर्ब्स चेंज विद नंबर. ठीक है, कैसे उनके साथ वर्ब चेंज हो जाती है. देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो इज राइटिंग यानी कि इज यूज हुआ. यहाँ पर बॉयज है, तो यहाँ पर आर राइटिंग यूज हुआ है इन हिज. ओके, बॉय जो है वो बॉय है, तो इसलिए वहाँ पर जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए प्रोनाउन यूज किया गया है हिज नोटबुक. अब यहाँ पर बॉयज हैं, बहुत सारे बॉयज हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन यूज किया गया है देयर नोटबुक्स. ओके, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज हो जाता है. Okay, so one needs to follow certain rules while changing the singular nouns to their plural forms. Okay, ki how can convert, how can change, how can modify nouns from singular to plural. Okay, so study the rules given below very carefully for the plural form of most nouns and s. Mostly jo hai wo usme aap s use kar denge to aapka wo सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो फर्स्ट है आपका बॉटल, तो यहाँ पर हो जाएगा बॉटल्स. ओके, एंड कप, कप्स, कार, कार्स, बुक, बुक्स, पेंसिल, पेंसिल्स, डेस्क, डेस्क, स्टिकर, स्टिकर्स, विंडो, विंडोज. ओके, ऐसा लगाया तो हम वो हमारा प्लूरल में चेंज हो गया. नेक्स्ट, फॉर नाउंस दैट इन सी एच, यानी कि जिस सिंगुलर वर्ड में सी एच, एक्स, एस, एस एच और ओ साउंड है, तो वहां पर ई एस एड करते हैं. ओके, लाइक जैसे देखिए यहाँ पर बॉक्स, बी ओ एक्स, एक्स है यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर ई एस यूज हुआ. बॉक्सिस हो गया, वॉच, यहाँ पर सी एच, वॉचिस. मॉस, डबल एस है ना, यस, डबल एस क्या, ओनली एस. ओके, तो मॉसिस हो गया. बस, बसेस, ब्रश, एच एस, एस एच, ब्रशेस, हीरो, हीरोज. ओके, तो सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे, इन चीजों को ध्यान देना होगा. ओके, मोस्टली तो एस यूज कर देते हैं तो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है, बट कुछ वर्ड्स में सी एच, एक्स, एस, एस एच और ओ आता है, वहां पर आपको क्या लिखना होता है, ई एस लिखना होता है. नेक्स्ट देखिए, F और FE, ओके, चेंज F टू V, F को V में चेंज कर देते हैं एंड एड ES, ओके, अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड में F है या FE है, ठीक है, तो F को कन्वर्ट कर देंगे V में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद ES एड कर देंगे. देखिए जैसे यहाँ पर है वॉफ,
तो यहाँ पर क्या होगा, वॉब्स हो गया, वाइफ है तो वाइफ्स हो गया, लीफ है तो लीव्स हो गया, ओके, एंड लाइफ है तो लाइव्स, ओके, लाइफ है तो लिप्स हो गया, ओके। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1, राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे लाइक फर्स्ट, देखिए आप इसमें रूल के अकॉर्डिंग देखिए, ओके, तो इसमें स्पेशल कौन से, सी एच, एक्स, एस, एस एच और ओ, एफ और एफ ई। बाकी देखिए फर्स्ट में डेरी है तो डेरीज एस ऐड कर देंगे, मैंगो है तो देखिए वहां पर ओ था ना, तो जहां पर ओ है वहां पर ई हो जाएगा, ई एस हो जाएगा, चाइल्ड है चाइल्ड्स हो जाएगा, थॉर्न है थॉर्न्स हो जाएगा, वॉच है वॉचेस हो जाएगा, ओके, यहाँ पर भी वीटो तो वीटोज हो जाएगा, ई एस, ओके, कार्गो कार्गोज, फिश एच है ना, फिशेस हो जाएगा, ओके, यहाँ पर एस है ना तो ई एस, जिंसेस, स्काई स्काईज, ओके, तो इस तरह से, ओके ओके, यहाँ पर स्काई है, जैसे यहाँ पर डेरी है, ठीक है, तो यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर आई ई एस हो जाएगा, वाई को हटा देंगे, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे डेरी, ऐसे यहाँ पर स्कीज हो जाएगा, एस के वाई, यहाँ पर हो जाएगा एस के आई ई, ओके, बाकी तो आपको अच्छे समझ में आई है, ओके, डेरी डेरी, मैंगो यहाँ पर ओ है तो ई एस, वॉच ई एस वॉचेस, ओ है यहाँ पर ई एस, ओके, यहाँ पर एस है तो यहाँ पर भी ई एस होगा, चाइल्ड एस, थॉर्न एस, ओ है ई एस, एच है यहाँ पर तो एस एच है ना, तो ई एस फिशेस एंड स्कीज हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट में आप डेरीज, सेकंड में मैंगोज, वॉचेस, कार्गोज, एंजिंसेस, ओके, इसलिए जहाँ पर एस है, एस है वहाँ पर भी ई एस लिखेंगे ना, ओके, चाइल्ड, थॉर्न्स, वीटोज, फिशेस एंड स्कीज, ओके। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आ जाएगा, लाई है, ओके, तो यहाँ पर आपका 1 मिनट, ओके, लाइव, एल आई ई, ये है ना, यहाँ पर एस से सेंड करेंगे, लाइव हो जाएगा, वॉर्टेक्स, एक्स है तो ई एस, वॉर्टेक्सिस हो जाएगा, वॉल्केनो, ई एस, वॉल्केनो हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास, ओके, एंड नेक्स्ट डे यू विल सॉल्व, आई विल टेल यू, आई विल टीच यू हाउ कैन सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2, ओके, सो यू विल ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2, ओके, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कल हम उसका सॉल्यूशन देंगे, आपको बताएंगे एक्सरसाइज नंबर 2 एंड 3 ऑफ दिस चैप्टर, सो इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बेटा।